नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड हमारे खास एपिसोड टेक मिसलेनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव आने वाला है और सभी लोग अपना वोटर आईडी कार्ड या तो बनवाने में लगे हुए हैं या फिर उस जो भी बने हुए हैं उसको सर्च करके डाउनलोड करने के लिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड आपने फॉर्म भर के दिया हुआ है तो पता करना है कि यह भी वोटर आईडी कार्ड आपके नाम पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, या फिर अगर बना हुआ है तो उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, कैसे हम उसको सर्च कर सकेंगे। तो वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे और बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप करते हो तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें। तो जल्दी शुरू करते हैं और आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके आप हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और मिलता रहे, आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी वेब ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर हम गूगल पर सर्च करेंगे कि किस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड आप नाम से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से हम सर्च करेंगे वोटर सर्च बाय नेम और आप देखेंगे यहाँ पहला ऑप्शन आ चुका है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा और इस वेब पेज पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे अपना वोटर आईडी कार्ड सर्च करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सर्च बाय डिटेल, जिसमें आपको ये सभी डिटेल नीचे दी हुई है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा आपका अपना स्टेट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट हम सर्च कर रहे हैं, और उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो अगर आप लैंग्वेज हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर अपना नाम सर्च डाल करके सर्च कर सकते हैं, सरनेम डाल कर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर अपने फादर का या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं आप उनका नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर रिश्तेदार का उपनाम दे सकते हैं यानी रिलेटिव्स का उपनेम दे सकते हैं, सरनेम वगैरह, और यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ या फिर एज, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर जो है दिया हुआ है जेंडर, और उसके बाद दिया हुआ है लोकेशन दोस्तों, कहाँ से किस जिले से आपका है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी दी हुई है तो किस असेंबली से है। उसके बाद आप नीचे कैप्चा कोड अपना फिल करेंगे, जिसके बाद आप सर्च कराएंगे तो आपका अगर वोटर आईडी कार्ड बना होगा या फिर आप उसका नंबर नहीं आते तो भी यहाँ पर आपका सर्च होकर के लिस्ट आ जाएगी। अब दोस्तों दूसरी बात करें हम एपिक नंबर से माध्यम से, अगर आपको पता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड पर जो एपिक नंबर होता है वो आपको पता है तो सिंपल सा यहाँ पर आप जो है अपना एपिक नंबर डालेंगे, और एपिक नंबर डालने के बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपल सा कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड जो है दिख जाएगा और आपका बना होगा तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली कि मोबाइल नंबर से जो है आप अपना वोटर आईडी कार्ड सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका स्टेट हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज अगर हिंदी में चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद दिया हुआ मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, और जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आप यहाँ पर दिया हुआ सेंड ओटीपी का ऑप्शन, तो यहाँ पर सेंड करेंगे ओटीपी, और जैसे ही ओटीपी आप सेंड करेंगे तो यहाँ पर शो कर देगा अगर आपका रजिस्टर्ड होगा, और अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको दिखा देगा कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर सर्च कराएंगे, जिसके बाद आप सेंड फिर से ओटीपी करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वन टाइम ओटीपी यहाँ पर भेज दी गई है, जो वन टाइम पासवर्ड है वो भेज दिया गया होगा आपके मोबाइल नंबर पर, और जो भी आपका ओटीपी है वो यहाँ पर आप सेव कराएंगे, आप फिल करेंगे, और जो भी फिल करेंगे ओटीपी उसके बाद आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पर फिल करके, तो जैसे ही आपका ओटीपी जो आएगी वो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम फिल करने हैं, और उसके बाद ये दिया हुआ नीचे कैप्चा कोड, और इस कैप्चा कोड पर जो है आपको नीचे वाला एज इट इज़ फिल करना है, कैपिटल है तो कैपिटल और स्मॉल है तो स्मॉल में आपको फिल करना होगा, और उसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपका पूरे जितने उस नंबर पर जितने भी वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड होंगे वो सारे के सारी लिस्ट आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कर सकते हैं। एक नई चीज़ इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर आपके इस वेबसाइट में जोड़ा हुआ है और इससे पहले कभी नहीं था। तो आज की डिटेल आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में ये बताइए, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है व्यू डिटेल, तो दोस्तों आप इसको यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं कि आपका वोटर लिस्ट जो है वो आपको कहाँ पर है, और जो पर्ची डाउनलोड होती है वो यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन, तो मतदाता सूचना प्रिंट भी आप कर सकते हैं, जिसके बाद जो है
यहाँ पर और कई भी चीज ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ आपके बीएलओ का नेम, तो अगर आप बीएलओ का नंबर भी चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सर्च करते हैं वोटर आईडी कार्ड। और आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तो भैया आपको आज ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए, साथ में भी बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना, और इसे आपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ ये दोस्त भी आपके ये जानकारी हासिल कर सके, अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड या फिर उसको सर्च कर सकें। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय में मिलता रहे, आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, हम वहां पर भी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।